हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, वी विल डिस्कस एग्जांपल्स ऑन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के ऊपर थोड़े से एग्जांपल। ठीक है, हमने माइक्रोस्कोप स्टडी कर लिया, जिसमें दो थे, एक सिंपल माइक्रोस्कोप था और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, और टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था। ठीक है, थियरी तो अच्छे से हमने पढ़ ली, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब तक आप उसके एग्जाम्पल्स नहीं सॉल्व कर लेते अच्छी तरीके से, तब तक थियरी में मतलब कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 100% आपको सब कुछ पता चल गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल सॉल्व करके शायद आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो, मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूं। एग्जाम्पल क्या है? अ मैन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट, मतलब कि बहुत अच्छा मैन है, उसको मतलब कि बहुत अच्छी उसकी मतलब कि आईज है, 25 सेंटीमीटर उसका नियर पॉइंट है। रीड अ बुक विथ अ स्मॉल प्रिंट, लेकिन वो जो बुक पढ़ रहा है उसकी प्रिंट थोड़ी सी स्मॉल है, मतलब कि थोड़े स्मॉल राइटिंग है। यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है? हाँ, और मैग्नीफाइंग ग्लास इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। मतलब ये क्वेश्चन हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप का। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फार्देस्ट डिस्टेंस एट विच ही शुड कीप द लेंस फ्रॉम द पेज सो दैट ही कैन रीड अ बुक व्हेन व्यूइंग थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास। देखो, ये फॉर एग्जांपल सपोज के बुक है, तो वो ऐसे ऐसे पढ़ रहा है, तो सोचो कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास है और ये बुक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके, अभी उसका नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि वो बहुत अच्छी तरीके से कितने डिस्टेंस पे देख सकता है? 25। उससे कम डिस्टेंस अगर हो गया तो उसपे वो अच्छी तरीके से नहीं देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। 25 से इंफिनिटी तक वो अच्छा देख पाएगा, 25 से कम डिस्टेंस अगर हो गया तो वो अच्छी तरीके से देख पाएगा नहीं। तो पहला पॉइंट ये हम लिख सकते हैं दैट ईयर फॉर क्लियर विजन इमेज ऑफ प्रिंट, प्रिंट मतलब कि जो उसने लिखा हुआ है पेज में, शुड फॉर्म बिटवीन इंफिनिटी एंड डी। कहां कहां फॉर्म होनी चाहिए? इंफिनिटी से डी के बीच में फॉर्म होनी चाहिए। पहला केस लेते हैं, इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। इमेज कहां पर फॉर्म हुई? इंफिनिटी। हमारे पास फॉर्मूला है 1/v − 1/u = 1/f। देखो, आप ऐसा मत सोचना कि पहले स्मॉल प्रिंट है और इंफिनिटी पे अगर इमेज फॉर्म हुई तो और छोटा दिखेगा। नहीं, हम मैग्निफाइंग पावर बाद में डिस्कस करने वाले हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1/∞ − 1/u = 1/f कितना है? 5। तो 1/∞0 हो गया, तो u = हमें क्या मिला? -5 सेंटीमीटर। मतलब कि उसे अपना मैग्नीफाइंग ग्लास कितने डिस्टेंस पर रखना चाहिए? -5, मतलब ये 5 सेंटीमीटर। वो -5 तो u नेगेटिव होता है ना, इसीलिए आया। अभी केस टू की बात करते हैं। केस टू में कहां इमेज फॉर्म होनी चाहिए? इमेज फॉर्म्ड एट डी। कहां इमेज फॉर्म होनी चाहिए? डी। तो फिर से करते हैं, 1/v − 1/u = 1/f। बी की जगह पर मैं रखता हूं 1/-d − 1/u = 1/5। अब ये −d = क्या होगा? −25। ये उधर भेज दूंगा, तो −1/u = 1/5 + 1/25। क्या होगा? 25 + 5 = 30। 30/5 × 25, तो u = −5 ×
25/30, तो 5 6 तो कितना डिस्टेंस हमें मिला, -25/6 सेंटीमीटर। मतलब देखो अभी 25/6 सेंटीमीटर करोगे तो 4 point something आपको मिलेगा। तो मतलब कि उसे कितने डिस्टेंस पे रखनी चाहिए, ये फॉर एग्जांपल 24, तो 4.16 सेंटीमीटर आएगा। तो 4.16 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस रख सकता है और मैक्सिमम कितना डिस्टेंस रख सकता है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी दूसरा क्या है, व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन, दैट इज मैग्निफाइंग पावर। देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन को मैग्निफाइंग पावर बोलते हैं, यूजिंग अबव सिंपल माइक्रोस्कोप। तो मैं आपको बोल दूं कि मैग्निफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है, D/U। क्या है, D/U, मैग्निफाइंग पावर की बात कर रहा हूं या तो एंगुलर मैग्निफिकेशन की। तो यहां पर कहां इमेज फूम हुई, इंफिनिटी पर। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन कितना है, डी मतलब कितना, 25 सेंटीमीटर, हाँ -25, और यू कितना, -5, तो कितना हुआ, 5। ठीक है, और यहां पर मैग्निफाइंग पावर फिर से D/U, आप सिंपल माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, उसमें हमने ये डिस्कस किया। तो डी कितना है, 25। ठीक है, -25 भी ले सकते हैं लेकिन -- कट हो जाएगा, और यू हमें कितना मिला, 25/6, 25/6, तो ये कट हो गया ऊपर 6। देखो इमेज कितनी बड़ी हो गई, यहाँ 5 गुना हो गई और यहाँ पर 6 गुना हो गई। इसलिए ऐसा मत समझो कि इंफिनिटी पर अगर होगा तो हमें मतलब कि छोटा सा इमेज दिखाई देगा तो हम रीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, तो इसको अच्छी तरीके से देखो और नोट कर लो। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू स्क्वायर ईच ऑफ एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। एक कार्ड शीट है जो ऐसे स्क्वायर में डिवाइड की है, ठीक है, जिसका एरिया कितना है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये साइड 1 मिलीमीटर की होगी और ये साइड भी क्या होगी, 1 मिलीमीटर की। ठीक है, इज व्यूड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर, कितने डिस्टेंस से उसको देखा गया, 9 सेंटीमीटर से, थ्रू अ मैग्निफाइंग ग्लास, मतलब ये एग्जाम्पल में सिंपल माइक्रोस्कोप का हो गया, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। वॉट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, क्या फाइंड करना है हमें, मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, 1/V, ये मैं कर देता हूं, 1/V -1/U = 1/F। तो 1/V -1/U कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, 9, तो -9 रखेंगे, 1/F, F कितना है, 10, तो कितना मिला हमें, ये -- प्लस हो जाएगा और उधर जाएगा माइनस, तो 1/10 -1/9, जो कि 9 - 10, तो -1/9, तो हमें इक्वल टू कितना मिलेगा, -90 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन। जब भी ऐसा बोला जाए व्हाट इज मैग्निफिकेशन, तो इसका मतलब ये है कि ये है लेटरल मैग्निफिकेशन। कैसा, लेटरल मैग्निफिकेशन, या तो वो हाइट वाला मैग्निफिकेशन की बात करूं तो देखो अभी ये वी इज इक्वल टू -90 सेंटीमीटर हो गया, तो उसका फॉर्मूला है V/U। क्या फॉर्मूला है उसका, V/U, अच्छी तरीके से लिखिए। अभी मैग्निफिकेशन हमें फाइंड करना है, ये मैंने रखा -90, यहाँ रख देता हूँ -90/U कितना था, 9, तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हुआ, 10। कहने का मतलब क्या है, देखो इसकी जो साइड है वो 1 mm है, वो कितनी बड़ी दिखेगी, 10 mm, कितनी बड़ी दिखेगी, 10 mm। ये साइड भी 1 mm है, वो कितनी बड़ी दिखेगी, 10 mm, क्यों, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर मैं फाइंड करूं एरिया ऑफ इमेज स्क्वायर, एरिया ऑफ इमेज स्क्वायर, तो ये भी 10 mm और ये भी 10 mm,
तो 10 × 10 100 mm², ठीक है। अब ये 10 mm का मतलब होता है 1 cm, ठीक है ना। यहाँ भी 10 mm का मतलब 1 cm, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि क्या आएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर 1 cm². हालांकि हमें इसे फाइंड करने को नहीं बोला गया है, ठीक है, लेकिन अगर बोला गया है तो ऐसे करो। दूसरा क्या है, व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। देखो ये सिर्फ मैग्निफिकेशन था और ये क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। जब भी एंगुलर मैग्निफिकेशन बोले उस टाइम पर आपका फॉर्मूला होना चाहिए f = d/u। अभी d कितना है 25 cm, -25 cm, और u कितना मिला हमें 9। u मिला नहीं, वो तो दी आ रही है -25/9, तो इतना आंसर आएगा किसका, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन। इधर माइनस माइनस रख देंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, इज आंसर ऑफ ए एंड बी आर सेम। देखो पहले का आंसर क्या है 10, दूसरे का आंसर क्या है -25/9, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं सिर्फ 25/9। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है सेम। देखो ये मैग्निफाई किया है कितनी साइज है और ये क्या है कितना एंगल बढ़ा है, ये हम लोग पूछा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है d/u और इसका फॉर्मूला क्या है v/u। ये दोनों तब भी सेम हो सकते हैं जब हम यहाँ पर लेंस रखे, ये ऑब्जेक्ट हो और उसकी इमेज कितने डिस्टेंस पे बने 25 cm पे, तब जाके ये दोनों सेम होंगे, अदरवाइज ये सेम होंगे नहीं। इसकी इमेज कहाँ बनी, देखो 90 cm, वो बहुत दूर हो गया, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या बोलेंगे, सी का नो, दे आर नॉट सेम। अभी दी क्या गया है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड लेंस बी हेल्ड टू व्यू स्क्वायर डिस्टिंक्टली। मतलब ये देखो ये 1 mm, तो मतलब ये तो मैंने बड़ा कर दिया, वरना 1 mm तो बहुत छोटे होते हैं, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट देखने के लिए कहां रखना चाहिए, तो इमेज शुड फॉर्म एट डी। इमेज कहां पर फॉर्म होनी चाहिए, डी। जब डी पर इमेज फॉर्म होगी तभी बड़ी इमेज दिखेगी और तभी आप डिस्टिंक्टली देख सकते हो। तो फिर से मैं फॉर्मूला लगाए 1/-25, ठीक है, क्यों डी -1/u। एट व्हाट डिस्टेंस, मतलब कि हमें यू फाइंड करना है, = 1/f। एफ कितना है 10, तो क्या मिला -1/u = 1/10 +1/25। तो 25 + 10 कितना हो गया 35/250। तो u = कितना मिला 250/35 -250/35। इतने सेंटीमीटर पर अगर हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इमेज कहाँ मिलेगी, डी पर, और वो इमेज है वो किस मिलेगी, क्लियर, ठीक है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन इन दिस केस, इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो देखो मैग्निफिकेशन = v/u होता है। अभी v कितना मिला, v कितना है 25, है कि नहीं, क्योंकि हमें इमेज डी पर मिली तो 25 में यहां रख देता हूं, और u कितना मिला इतना, तो u को मैं इधर रख देता हूं 250 × 35, ठीक है। तो 250 × 35/10 कितना मिलेगा आंसर 3.5। और हमें एंगुलर, व्हाट इज मैग्निफिकेशन इन दिस केस पूछा, इज मैग्निफिकेशन सेम एज मैग्निफाइंग पावर, तो पहले मैग्निफाइंग पावर को कैलकुलेट करते हैं, f = d/u, तो d कितना है 25 upon u कितना, यही 250/35, तो आंसर क्या मिला 3.5। तो इसका मतलब यस दे आर सेम, ठीक है, सेम होंगे, क्यों, क्योंकि इमेज कहां पर मिली हम डी पर, इसीलिए अब हमें ये क्लियर दिखेंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से नोट कर लो, ओके। और एक और एग्जांपल देखते हैं,
एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, जिसमें उसका एक पार्ट है कि वही कार्ड शीट है डिवाइडेड इनटू स्क्वायर, उसका एरिया कितना है 1 mm स्क्वायर, और वही क्वेश्चन सेम टू सेम, ठीक है। ये दिया है व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मैग्नीफाइंग ग्लास। अभी फिर से हम लोग उनके बीच का डिस्टेंस पूछा है। इफ वर्चुअल इमेज ऑफ स्क्वायर इज टू हैव एरिया 6.25 mm स्क्वायर, कितना 6.25 mm स्क्वायर। देखो एरिया है 6.25 mm स्क्वायर, तो इसका मतलब लेंथ कितनी होगी, लेंथ इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया होगा, तो हमें अंडर रूट 6.25 करना पड़ेगा, अंडर रूट 6.25, तो कितना आएगा आप ऐसा सोच सकते हो 625/100। अभी 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, ठीक है, तो कितना आएगा 2.5 mm। तो पहले कितनी साइड थी 1 mm, अब कितनी साइड हो गई 2.5 mm, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 2.5/1, दैट इज 2.5, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना हो गया 2.5। अभी हमारे पास v/u इज इक्वल टू 2.5 है, तो हम इधर लिख देंगे, तो v इज इक्वल टू 2.5 u, ठीक है। अभी 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v कितना मिला 2.5 u माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, f कितना है 10 cm, ठीक है। इसको इधर भेज देंगे, इसको उधर भेज देंगे, u माइनस 2.5 u कितना आएगा माइनस 1.5 u अपॉन 2.5 u स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10, तो एक u कट हो जाएगा और u इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा 15/2.5, जिसको आप बोल सकते हो 6, ठीक है, यहां पर मैं माइनस लगा देता हूं, तो u इज इक्वल टू कितना मिला 6। कितने डिस्टेंस पे रखना चाहिए 6 cm, मैग्नीफाइंग ग्लास और उस बुक के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 6। अभी v इज इक्वल टू क्या है 2.5 u है, ठीक है ना, तो v इज इक्वल टू 2.5 × -6 कितना आएगा 2.5 × -6, 5 × 6 = 30, 6 × 12 + 3 = 50, तो कितना मिला 15 cm, मतलब इमेज हमें कितने डिस्टेंस पे मिलती है 15 cm डिस्टेंस पे, लेकिन हम कितने डिस्टेंस से क्लियर देख सकते हैं 25, लेकिन हमें इमेज यहाँ पर कितने डिस्टेंस पे मिली 15 cm, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भैया क्या वुड यू एबल टू सी द स्क्वायर डिस्टिंक्टली विथ योर आईज क्लोज टू मैग्निफायर, नो वी कैन नॉट, क्यों, देखो इमेज कितने डिस्टेंस पे मिलती है 15 cm पे, और 25 या उससे ज्यादा डिस्टेंस पे मिलनी चाहिए तब हम उसको क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पर हम उसको क्लियर नहीं देख सकते। देखो पहले क्या किया, एरिया का स्क्वायर रूट लिया तो हमें मैग्निफिकेशन मिल गया, मैग्निफिकेशन m = v/u किया तो v = 2.5, v और u के बीच में डिस्टेंस मिल गया, सॉरी रिलेशन मिल गया, वन अपॉन लेंथ फॉर्मूला लगाया हमने, v का 2.5, यहां से हमने क्या फाइंड कर लिया u, एक बार हमें u मिल गया तो हमें पूछा उसके बाद में हम v फाइंड कर सकते हैं, v फाइंड करने के बाद हमें पता चला कि भैया इमेज जो है वो कितने डिस्टेंस में मिलेगी, तो पता चला कि इमेज 15 cm डिस्टेंस में मिलेगी, तो वो तो बहुत कम डिस्टेंस है, मतलब कि हम वो स्क्वायर क्लियरली नहीं देख सकते, ठीक है। आप इसको पॉज करके नोट कर लो। ओके देखो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ठीक है, ये ध्यान से पढ़ने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, ठीक है, पहले पॉज करके अपने आप इस आंसर को सोचो, ठीक है, क्या है, एंगल सबटेंडेड एट आई बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड एट आई बाय वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नीफाइंग ग्लास, इन व्हाट सेंस देन मैग्नीफाइंग ग्लास प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन,
देखो बहुत सिंपल, एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट और ये मिल गई हमें इमेज। अभी यहां पर हमारी आई, ये कौन है ऑब्जेक्ट और ये कौन है इमेज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जितना एंगल सबटेंड कर रहा है, देखो जितना एंगल ऑब्जेक्ट सबटेंड कर रहा है उतना ही एंगल तो इमेज भी सबटेंड कर रही है, दोनों सेम एंगल सबटेंड कर रहे हैं। ऐसा लिया है ना, एंगल सबटेंडेड एट आई बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड एट आई बाय वर्चुअल इमेज। देखो ये वर्चुअल इमेज भी हो गई प्रोड्यूस बाय मैग्नीफाइंग ग्लास। तो फिर इसने एंगल ऑफ मैग्निफिकेशन यहाँ पर कैसे कहाँ प्रोड्यूस किया, किया क्या नहीं किया ना, ऐसा हमें लगता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो अगर लेंस नहीं होता तो डी डिस्टेंस पर इस ऑब्जेक्ट को रखो, कितने डिस्टेंस पर, डी डिस्टेंस पर, और यहां हमारी आई। ठीक है, ये जो एंगल मिला ये है अल्फा, तो अल्फा ये एक्स, अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ एक्स अपॉन डी। ठीक है, अब यहां पर ये हो गया एच और ये हो गया एच डैश। ये यहां पर हम लेंस को ऐसे सेट करते हैं ताकि इमेज हमें डी डिस्टेंस पर मिले। अब ये हो गया सॉरी ये तो वो अल्फा हो गया, ये हो गया एंगल बीटा। तो बीटा क्या होगा, सोच बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन यू, ऐसा हुआ बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन यू, एच अपॉन यू। और ये यू कितना है, पहले डिस्टेंस कितना था 25 सेंटीमीटर, लेकिन आपने सिंपल माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट में देखा कि अगर हम पास में लाते हैं तो प्रॉब्लम होता है, तो ये लेंस हमें हेल्प करता है क्या, अगर पास में लाए बीच में लेंस रख दे तो इमेज अपने आप उसकी दूर चली जाएगी और वो हमें बड़ी दिखेगी। अगर देखो बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन यू और एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करें बीटा अपॉन अल्फा, तो बीटा क्या है एच अपॉन यू और अल्फा क्या है एच अपॉन बी, तो एच एच कट हो गया और क्या मिला हमें डी अपॉन यू, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या मिला डी अपॉन यू। पहले यू डी अपॉन डी था, मतलब कि वो इतना था, लेकिन उसके बाद इमेज जब आ गई डिस्टेंस उतना ही है लेकिन इमेज बढ़ गई इसलिए वो एंगुलर मैग्निफिकेशन मिला। ठीक है, पहले एंगल कितना था सिर्फ अल्फा, फिर एंगल कितना हो गया बीटा, क्यों, क्योंकि पहले 25 सेंटीमीटर पे हमें कौन दिख रहा था, सिर्फ ऑब्जेक्ट दिख रहा था इतना छोटा सा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को हम पास में लेके आए, यहाँ पर मैग्निफाइंग ग्लास डाला तो हमें इमेज वहां पर मिली, वो कितनी थोड़ी बड़ी मिली, वो कितने डिस्टेंस में 25, तो मतलब कि एंगल बढ़ गया ना थोड़ा, दैट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतने एग्जांपल देखते हैं, बाद के वीडियो में इसके बाद के लेक्चर में हम टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।